तो हेलो दोस्तों, वापस से एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जा रहा हूं देहरादून से दिल्ली। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा देहरादून से दिल्ली का मोटो व्लॉग। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए, और रास्ते में क्या क्या आता है, कैसी रोड से, मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा। अभी मैं हूँ देहरादून में मसूरी चौक पर, जहाँ से मसूरी के लिए रास्ता कटता है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था सैस्तो धारा और गुच्चू पानी रोवर्स के जिसको बोलते हैं। तो देहरादून की दो तीन चीज़ें मैंने आपको दिखाई। अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर दिल्ली। तो इस वीडियो में आपको देहरादून से दिल्ली तक की जर्नी दिखाऊंगा। और मैं जाऊंगा सहारनपुर की तरफ से निकल के, देहरादून से सहारनपुर मुजफ्फरनगर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस है 256 किलोमीटर, जो ये दिखा रहा है 5 घंटे 11 मिनट लगेगी हमें। अभी 5 घंटे बाइक चलानी है। तो अभी बज रहे हैं 2:12, तो 7-8 बजे तक अंधेरा हो जाएगा हमें पहुँचने में। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, बने रहिए इस वीडियो में, स्टार्ट द वीडियो। तो अभी देहरादून के राजपुर रोड पे चल रहा हूँ मैं। यहाँ से सहारनपुर की तरफ का रास्ता जब कटेगा बाहर निकलेंगे हाईवे पे। अभी हाईवे नहीं आया, अभी लोकल देहरादून में ही चल रहा हूँ। आगे देखते हैं कितना टाइम लगेगा सिटी से बाहर निकलने में। पहले सिटी से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा कहीं से। गूगल मैप लगा के पॉकेट में डाला हुआ, आप देख चलते रहते हैं क्या। देहरादून का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, गर्मी में भी गर्मी नहीं लग रही। हर थोड़ी थोड़ी देर पर रेड लाइट आ जा रही है। बता ऐसा कहानियाँ, तो रोशनी तो रंग है। रास्ते में मैंने जितनी भी क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी वो पता नहीं कैसे टाइम लैप्स मोड में रिकॉर्ड हो गई, तो उसमें कुछ फास्ट मोशन में चल रहा है। तभी मैं खाने के लिए रुके हैं। ये है कोई फैमिली रेस्टोरेंट, तो नहीं कैसा होगा। अब यहाँ पे चल के खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। खा चुका हूँ, लेकिन रास्ते में मैंने जितनी भी क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी वो पता नहीं कैसे टाइम लैप्स मोड में रिकॉर्ड हो गई, तो उसमें कुछ फास्ट मोशन में चल रहा है। तो यहाँ से 30 किलोमीटर बचा है सहारनपुर, फिर उसके बाद देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली। तो ऐसे ऐसे हम जाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो यहाँ से, खाना खाने के बाद से। अभी मैं आपको आगे की रोड्स दिखाता हूँ कैसी। तो हम आ चुके हैं अपने पहले टोल प्लाजा पे, जो कि है 70 रुपये का, सहारनपुर के पास छुटमुलपुर में। देहरादून से चल के छुटमुलपुर पहुँच चुके हैं और पहला टोल प्लाजा आ गया है। और बाइक पे आने का फ़ायदा नंबर कोई सा भी मान लो, फ़ायदा नंबर एक आपका बचेगा टोल और आपको लगेगी गर्मी। गर्मी के बदले टोल बचा लो, पेट्रोल बचा लो। तो ये है CGRG रोड लिमिटेड। अब इसको टोल प्लाजा को निकलते हैं और चलते हैं फिर आगे। गाड़ी वाले भी लगते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। बाइक वालों के लिए स्पेशल रास्ता, साइड से निकल जाओ गोली की तरह। दोबारा से टोल प्लाजा नंबर 2 आ चुका है जब से मैं देहरादून से चला हूँ। और अभी तक मैं
60-70 किलोमीटर ही चला हूँ, 60 किलोमीटर के अंदर में दो टोल प्लाजा आ चुके हैं। ये है देवबंद हाईवे प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट टोल है, कोई उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे का टोल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन फिर भी 155 रुपये का टोल है गाड़ी के लिए। अब यहाँ भी लोग लड़ते हैं निकलने के लिए, क्या कर सकते हैं, 155 रुपये बचा के निकलते हुए तुरंत। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया है, गर्मी बहुत हो रही है, एकदम 2 लीटर पानी पी चुका हूँ, लेकिन फिर भी डिहाइड्रेशन तो ना हो रहा है, होंठ सूखे जा रहे हैं धूप में, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, ऊपर से मैंने जैकेट पहनी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो अभी जूस पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो गन्ने का जूस पी के हम फिर निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, अब चलते हैं आगे। चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं मुजफ्फरनगर, अभी मैं गलती से मुजफ्फरनगर में अंदर मुड़ गया था, तो अभी मैं बाईपास की तरफ जा रहा हूं, फिर मुजफ्फरनगर बाईपास होते हुए रुकेंगे मंसूरपुर में, एक दूसरा ब्रेक लेंगे खाने के लिए। यहाँ से तो वापस मुड़ के जा रहा हूँ, आगे से राइट लेके आऊँगा, यहाँ पे हिसाब नहीं बनेगा। चल बेटा चल, गर्मी की वजह से GoPro भी हैंग हो गया था, अभी इसमें ये ऊपर का व्यू आ रहा होगा। अब थोड़ी देर यहाँ मुजफ्फरनगर बाईपास पर जाम में रुका रहा मैं, अब जाम तो खुल गया है, अब यहाँ से आगे खाली चढ़ गया, मुजफ्फरनगर बाईपास क्रॉस करके आगे रुकूंगा मैं मंसूरपुर, तो आपको मंसूरपुर जाके मिलता हूँ। भाई बाइक का ये रिस्क है, ऐसी जगह चलते हुए डर लगता है, पता लगा एक ट्रक वाले ने साइड मार दी तो काम कर, इसलिए इससे दूर चलने में फ़ायदा है। भी नहीं ले सकते, जगह ही नहीं है इतनी कि निकल जाए, मिल गए फाइनली मिल गए जगह। तो बाइक का फ़ायदा लेकर जाम से निकलते हुए दोबारा से, तो फाइनली हम रुकते हुए अपना खाने के लिए स्टॉप लेंगे यहाँ पे, 150 से भी ज़्यादा किलोमीटर चलने के बाद हम अपना स्टॉप ले गए। कहाँ है पार्किंग, पार्किंग में खड़ी करते हैं बाइक को,
तो फाइनली मैं रुक चुका मुजफ्फरनगर में कुछ खाने के लिए। यहाँ पे शिकंजी पियेंगे, कुछ खाएंगे और फिर आगे के लिए निकलेंगे। अभी टाइम था 1:30 बजे देहरादून से और अभी बजे हैं 6 बज गए हैं, तो मुझे 6 बज गए हैं, तो मुझे 5 घंटे हो चुके हैं देहरादून से निकले हुए। अभी भी यहाँ से 100 किलोमीटर बचा हुआ है नोएडा, तो देखते हैं पहले यहाँ पर कुछ खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। तो अभी शिकंजी पी के और यहाँ पर ब्रेक ले के जैकेट निकाल के बैठा हूँ, अभी थोड़ी देर ब्रेक लेंगे और फिर यहाँ से मैं नोएडा बचा भी 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर होता है। तो अभी मुजफ्फरनगर में थोड़ी देर शिकंजी पी के रेस्ट लेने के बाद हम चलेंगे हम वापस से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है नोएडा में। अभी बच चुके हैं शाम के 6 हैं और सुबह चला था मैं 1 बजे, तो 5 घंटे हो चुके हैं मुझे। मैं मुजफ्फरनगर पहुँचाऊँ, देहरादून से मुजफ्फरनगर आने में 5 घंटे लग गए। अब 2 घंटे मुझे लग रहे हैं आगे लगेंगे यहाँ से नोएडा तक के। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को वापस से। अभी मैंने जैकेट निकाल ली थी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। तो अभी शिकंजी पीते हैं और फिर वापस चलते हैं अपने। तो शिकंजी पीने के बाद हम मुजफ्फरनगर से वापस चल के निकल चुके हैं मुजफ्फरनगर से। अब आ गया टोल प्लाजा मेरठ वाला, तो मेरठ वाले टोल प्लाजा पे जाके मिलते हैं, थोड़ी देर रोड का एंजॉय लो आप। थैंक यू फॉर विजिटिंग मुजफ्फरनगर। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं मेरठ की सीमा में, अब थोड़ी बहुत देर में टोल प्लाजा आने वाला है। अब जैसे जैसे धूप हटी है तो थोड़ी गर्मी से राहत मिली है, ठंडी हवा तो नहीं चल रही लेकिन गर्मी भी नहीं लग रही है। लेकिन ट्रैफिक का वही हाल है, पूरी रोड भर के चल रही है मुजफ्फरनगर मेरठ वाली, गाड़ी के आगे गाड़ी, गाड़ी के पीछे भी गाड़ी, लाइन के ऐसे ही चलते जा रहे हैं, खाली जगह नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। अब टोल पे कम से कम 3-4 किलोमीटर लंबा जाम तो ज़रूर ही मिलेगा, देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। मैं चढ़ चुका हूँ मेरठ बाईपास, मेरठ बाईपास क्रॉस करके दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे थ्रू होते हुए जाएँगे। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, बाइक चलानी भारी हो रही है। अब जाना तो पड़ेगा घर तक, अभी और 70-80 किलोमीटर चलते हैं आगे तक ही, देखते हैं कितना हिसाब बनता है। रात का समय हो गया, यह तो पता नहीं जल्दी दिन छिप गया कि बारिश का मौसम हो रहा है, अंधेरा होने लगा। बारिश ना हो जाए बस, अब तो हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश में तो और ठंड मिलेगी, जैकेट निकाल लूँगा बारिश आ गई तो। बहुत तेज़ तूफान आ गया है, पता नहीं रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है, बहुत तेज़ धूल भरा तूफान आ गया बहुत तेज़। ये क्या हुआ, सारा प्लान चौपट हो गया। तो अभी चलते चलते बहुत तेज तूफान आ गया एकदम, अब बाइक रोकनी पड़ गई मुझे यहाँ। बाइक रोक के मैंने यहाँ से लिया पानी, अभी थोड़ी देर में पानी पीता हूँ और देखता हूँ तूफान, अगर बारिश आ गई तो मैं चल दूँगा, तूफान में नहीं चल सकता, आंखों में धूल भर जा रही है बहुत तेज़। ऐसा कुछ मेरठ का बाईपास है तो बहुत ही धूल उड़ रही है यहाँ पर भी, देखते पानी पी दो रेस्ट करता हूँ फिर देखते क्या हिसाब है। धूल का तूफान चल गया था लेकिन अभी बंद हुआ है, अभी पानी पी के वापस चलते हैं। पानी की बोतल भी धूल धूल में हो गई है। अभी तूफान रुका नहीं है लेकिन मैं तूफान में ही चल पड़ा हूँ क्योंकि अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर बारिश भी आ गई और अंधेरा भी हो गया तो। कल मैंने इसकी टंकी फुल करवाई थी, उसके बाद मैं ऋषिकेश गया, हरिद्वार गया, तो हरिद्वार गया देहरादून गया वापस मेरठ तक आ गया, तब जाके इसकी लाइट जली। अब कहीं पेट्रोल पंप मिलता है तो इसमें पेट्रोल भरवाते हैं। अभी आगे धूल के तूफान में चलते रहते, देखी जाए कि जहाँ तूफानों से नहीं डरे तो क्या होगा।
जैसे तूफान में लोग घर में घुस जाते हैं, ऐसे तूफान में हम बाइक चलाते हैं और वो बाइक भी ट्रैफिक जाम से निकालते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे बहुत सारे ये हैं, बैंकेट हॉल रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, लेकिन तूफान बहुत तेज आ रहा है, बाइक को भी पीछे धक्का दे रहा है। आगे पेट्रोल पंप कहीं आएगा तो इसमें पेट्रोल भरवा के फिर चलते हैं। अंग्रेजी शराब की दुकान भी आ गई है, यहाँ भी भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। एक तो आज ट्रैफिक ज़्यादा था, एक तो अगर बारिश हो गई ना तो बारिश ईजी पड़ेगी, बारिश में बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन धूल दिक्कत करती है, धूल जाती है आँखों में, बारिश आँख में नहीं जाती, बारिश में मज़ा आता है, ठंड लगती है। अभी आ गया पेट्रोल पंप, तो पहले इसमें पेट्रोल भरवाते, कभी ये बंदी हो जाए, मौसम भी ख़राब है और बाइक भी बंद हो जाए तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी, हल्की दिक्कत में काम चला लेते हैं। तूफान तो झेला जाएगा, तू भी टक्कर मार रहे, इधर ही चल ले। आगे हम पेट्रोल पंप पे ला 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 तो पेट्रोल भरवा के फिर निकल चुके हम तूफान में, बस अब बारिश गिर जाए, बारिश का वेट है, बारिश आ गई हल्की हल्की बूंद, मजा आ जाएगा बारिश में, तो बस बारिश आ जाए। फोन तो मेरा वाटरप्रूफ है, गोप्रो वाटरप्रूफ है, कपड़े भीगेंगे भीग जाएंगे, वॉलेट मैंने जैकेट में रख लिया, फ़ोन भी मैंने जैकेट में रख लिया, थोड़ा बहुत ही भीगेगा, धूल दब जाएगी बारिश में बस। बारिश आ गई है, बारिश तूफान बारिश अंधेरा गर्मी सब बर्दाश्त कर लिया आज के दिन में। सुबह चला था 45 डिग्री टेम्परेचर में, हाथ जल गए, गर्मी लग गई, पसीनों में भीग गया, फिर तूफान आ गया, अब बारिश आ गई, अब अंधेरा हो गया, सारी दिक्कतें आज ही होगी, आज मोटे ब्लॉक की तसल्ली हो जाएगी। अब हमें मेरठ बाईपास पर बारिश आ गई, बारिश में तो ब्लॉक करने में क्या ही मज़ा आता है। अभी थोड़ा आगे जाके खोलूँगा जब तूफान तेज आएगा, कभी इसकी बैटरी बोल जाए। क्या मस्त बारिश आ गई, बारिश में मोटर ब्लॉक, ओ नो, ये तो बहुत तेज है, तूफान के साथ बारिश। बारिश हो रहा भाई, और ऊपर से मैं बाइक पर सब गाड़ी में, तो अब तक तो मैं बाइक के फायदे गिनवा रहा था, सबसे बड़ा बाइक का नुकसान देख लो। क्या चलते रहता हूँ, डिसाइड करते हैं इससे अगले फ्लाईओवर तक पहुँच के या पेट्रोल पंप पर पहुँच के, रात भी हो गई, अगर दिन होता ना तो दिन में बारिश में बहुत मज़ा आता है, लेकिन रात हो गई, कुछ तो फायदा ले बारिश का। एक काम कर दो, पेट्रोल पंप पे रुक जाता हूँ, पता लगा जाम में खड़े खड़े भीग जाऊँ, जब जाम में ही रुकना है तो आराम से रुकेंगे चलेंगे। पेट्रोल पंप पर रुक गया हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश में मैं से चल नहीं पा रहा क्योंकि जाम लग रहा है, अगर जाम नहीं होता तो मैं बारिश में भी चल देता, लेकिन जब रुक नहीं है तो फिर रुक के चलेंगे, कभी कुछ चल गया पानी तो भी देखते हैं, थोड़ी बारिश हल्की होगी तो सब चलेंगे आगे। तो अभी बारिश रुक गई तो मैं पेट्रोल पंप पर रुक गया था,
तभी एक मेरा भाई सब्सक्राइबर मिला यहाँ पे, ये सामने बाइक पर जा रहा है। अब हम साथ साथ प्रतापपुर तक जाएंगे। अब बारिश में चलाने का तो मजा है, चलो कम से कम धूल तो दब गई। अब मज़ा आएगा ठंडी हवा में। जाम लग रहा है आज तो, इतना बुरी हालत हो रही है ठंडे के चक्कर में, तो वैसे जाम लगता है, ऊपर से बारिश हो गई। अभी जाम में यार भाई ने एकदम ब्रेक मार दी, उसकी बाइक में लग गई हल्की सी पीछे से, उसकी थोड़ी सी नंबर प्लेट मुड़ गई, पता नहीं गुस्सा करेगा वो बिना बात। इतना जाम हो रहा है, एकदम ब्रेक मारने पड़ जा रहे हैं। फाइनली बारिश में मोटो ब्लॉग होता हुआ, सुबह चला था मैं तरतराती धूप में और अब हो रही है बारिश, धूप धूल बारिश सब देख लिया आज के मोटो ब्लॉग में, इससे बढ़िया मोटो ब्लॉग नहीं मिलेगा। और मेरे जाने का मोटो ब्लॉग था सारा धूप धूप में निकल गया, लेकिन आज धूल भी आ गई, बारिश भी आ गई, सब आ गया। अभी तो डेढ़ घंटा और लगेगा, डेढ़ घंटा अंधेरे का ब्लॉग भी आएगा। अब घर जाके इसको एंड करूँगा, अभी तो चल रहा है, चलने दो। अब यहाँ से आएगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का कट, वहाँ से लेफ्ट लेके दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे होते हुए निकलूँगा मैं, क्योंकि अभी रात हो रही है तो रात में एक्सप्रेसवे वाला रास्ता सही रहेगा। अभी चलते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ, देखते हैं कितना टाइम लगेगा आगे जाने में। अभी खतरनाक कीचड़ हो गया सड़क पे, पूरी सड़क गंदी हो गई, अब गाड़ियाँ बहुत तेज जा रही है साइड में से निकल के, अभी देखते हैं कैसे होगा। आज का पूरा दिन मेरा ट्रैफिक जाम में निकल गया, बारिश में, बारिश अलग से आ गई, सिरदर्दी हो गई आज तो, लेकिन अब मौसम बढ़िया हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज एक तो जगह जगह शादियों के साए हैं, तो बाइक का फायदा है कि साइड से निकल जाते हैं, गाड़ी हो तो खड़े रहेंगे, रोक के खड़े हो गए, पूरी इनके चक्कर में पूरी रोड रुक गई। बिना बात ही रोड रोक के खड़ा हो गया था, अब जाके ट्रैफिक से छुट्टी मिली है। अब यहाँ से लेते हैं लेफ्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए। अब यहाँ से हमने एग्जिट ले लिया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, तो यहाँ मैंने मैं दिल्ली की तरफ एंट्री ले लिया, ऐसा कुछ है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो ये टोल प्लाजा है, यहाँ से मैंने एंट्री ले ली है, और अभी मेरे गोप्रो की बैटरी हो गई है ख़त्म, तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आगे मैं यहाँ से 40-50 किलोमीटर दिल्ली आ जाएगा, फिर मैं घर पहुँच जाऊँगा, बाकी सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अभी बारिश भी रुक गई है, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। बताए सा कहानियां तू रोशनी, तू उड़ रही पतंग है, बना है।